तो क्लिप में सलमान भाई को आपने देख ही लिया होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है जब मैं कोलकाता आया। तो कोलकाता आने के लिए बैंगलोर से तो निकलना होगा, तो बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ से मेरा फ़्लाइट था कोलकाता के लिए। रात के 12 बजे फ़्लाइट था, 2 बजे मैं पहुँचने वाला था कोलकाता। यहाँ कुछ खाना खा लिया मैं, उसके बाद फ़्लाइट में बैठ जाता हूँ। रात के 2 बजे मैं जब कोलकाता पहुँचता हूँ, फिर मैं एक कैब ले लेता हूँ। और रास्ते में ये होटल दिख रही है, द रॉयल बंगाल, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी एक्चुअली। भाई बहुत सुंदर लग रहा था बाहर से, तो मुझे लगा वीडियो बनाना वर्थ इट रहेगा। उसके बाद मैं अपने होटल में पहुँच जाता हूँ, द ताज बंगाल में। यहाँ की एम्बियंस बहुत ही अच्छी थी। ये लॉबी की वीडियो है। तो यहाँ से हम लोग चेक इन कर रहे थे, फिर हम लोग को रूम मिल गया 3rd फ्लोर में। तो ये मैं रूम में जा रहा हूँ, ये है रूम, छोटा सुंदर रूम। रूम काफ़ी अच्छी थी, वीडियो फ्लिकर कर रही है क्योंकि भाई ये स्नैपचैट की वीडियो है। और सलमान खान वाली वीडियो मैं शूट किया था रात के 3 बजे। मैं सोचा भाई इतनी अच्छी होटल है, अब टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है, तो मैं सोचा 3 बजे थोड़ी लॉबी की तरफ चला जाता हूँ। तो जब मैं लॉबी की तरफ जा रहा था, तो यही 3rd फ्लोर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गार्ड्स थे, करीब 30 पुलिस तो होंगे ही। तो उस समय मुझे पता चला कोई VVIP है। और 3 बजे ही मैं देखा सलमान खान को क्रॉस होते हुए, उस समय मैंने वो वीडियो क्लिक कर ली। और ये फिर मैं जिम आ जाता हूँ सुबह सुबह, फिर अपनी वॉच कनेक्ट करता हूँ, सिद्धू मूसे वाले के लास्ट राइड गाना बजाता हूँ भाई, तो जिम करने का मज़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिम भी बहुत अच्छी थी, पूरी वुडन फिनिश के साथ। और मेन बात है मैं अकेला था, तो अकेले जिम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर मैं थोड़ा थक गया, और भाई फ्री की पानी की बोतल रखी हुई थी, एक पानी की बोतल लिया, टॉवल। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ पूल की तरफ। तो ये बच्चे वाले पूल है। तो दोस्तों अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 5 स्टार पे स्विमिंग पूल बहुत अच्छी लेवल की होती होगी, तो ऐसा नहीं है। और ये होटल की एंट्री वाली सीन है, फ्रंट की व्यू है। तो ये हो रहा है खाने पीने के बाद ब्रश करने का वीडियो। भाई यहाँ पे जो बोतल है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो पानी में जम के पिया, पानी भी फ्री था यार वहाँ पे। और ये रूम का थोड़ा नज़ारा है भाई, व्यू अच्छी थी, 8 out of 10 तो दे सकते हैं। और सलमान खान की मेरे पास थोड़ी सी क्लिप थी भाई, क्योंकि मैं बोल रहा था ना उस दिन मैं 2 बजे ही आया था, 3 बजे कैसे तो निकल गया और देख लिया। और फिर सुबह मैंने वीडियोस भी ले ली एक फ्रेंड से, अदरवाइज़ मेरे पास फुल वीडियो होती। ये नीचे कैफ़े की वीडियो है, हम लोग उस समय रूम से चेकआउट कर चुके थे। पेड़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये फिर मैं बाहर कोलकाता थोड़ा घूम लिया। कोलकाता की एक फेमस चीज़ है भाई, अगर कोलकाता गए हो तो येलो टैक्सी तुम्हें दिख ही जाएगी भाई, बहुत अच्छी लगती है येलो टैक्सी, पुरानी एम्बेसडर कार। फिर मैं वहाँ रैपिडो राइड भी लिया, क्योंकि कोई गाड़ी मुझे मिल नहीं रही थी, ओला उबर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, रैपिडो मिला तो रैपिडो से ही जा रहा था। कोलकाता में एक चीज़ है ना कि रैपिडो ऑटो नहीं चलती है, बस रैपिडो बाइक चलती है। ये चीज़ मेरे को थोड़ा अलग लगा बैंगलोर से कोलकाता में। ये होटल में लास्ट टाइम ये लोग सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे जब हम लोग निकलने वाले थे शाम के वक्त चेकआउट के समय। और यहाँ मैं लिख रहा था कि सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रिप इन ताज बंगाल। ये कैब से हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को रांची निकलना था। आप मुंबई वाली ब्लॉग मैंने पहले अपलोड कर दी थी, तो आपको मालूम होगा उसके बाद मैं मुंबई पहुंचा था। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट ब्लॉग होगी अगर देखा जाए तो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे रिकॉर्ड करने हैं, और ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये तो वॉइस ओवर ही है। तो सपोर्ट करना गाइस, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। देखो फ्रेम देखना। ओ मां भालू दीदी।